सैमसंग गैलेक्सी A80 भाई इंडिया के अंदर कब आ रहा है? क्योंकि अभी तक यार गाइज इतनी इसकी लीक्स चल रही थी, जून के अंदर इन्हें कुछ एक इवेंट किया था अपने दोस्त मतलब फैंस को बुलाया था हैंड्स ऑन करने के लिए, जब भी लॉन्च नहीं किया अभी कब? और क्योंकि ये ऑफिशियल लाइव इमेज इनकी जो पिक है वो भी आ गई थी इनके वेबसाइट के अंदर ऑफिशियल सैमसंग इंडिया में, तो यार ये कब आ रहा है इंडिया के अंदर? और इसकी प्राइस सेगमेंट भी जो है वो हमें पता चल गई है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा गाइज, जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को लीजिए सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि मैं आपके लिए इसी दिन में दो दो वीडियो लाते रहता हूँ। और इस वीडियो में बात करते हैं इसी फोन के बारे में, कब आ रहा है, क्या प्राइस के साथ आ रहा है, ज़्यादा आपको बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो फोन है गाइस ये बहुत ही जल्दी हमें जो है इंडिया के अंदर देखने मिलने वाला है, और बाहर तो ये हो ही चुका है, अप्रैली में लॉन्च हो गया था, जब से अभी तक लोग इस फोन का वेट कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं गाइस ये जो फोन है ये हमें देखने मिलने वाला है अराउंड ये अपना ऑफ जुलाई में देखने मिलेगा। हाँ गाइस 15 जुलाई से पहले 12 जुलाई को जो बाहर मिलना चालू हो जाएंगे, वैसे मिलना चालू हो गया बट इंडिया के अंदर बोला जा रहा है जुलाई के अंदर आपको स्टार्ट ही हो जाएगा। तो लेट्स सी क्या ये सच बात होती है गलत बात होती है तो पता नहीं है, बट होता है तो ठीक है भाई जल्दी से जल्द लॉन्च कर दे, बिकॉज इतना देर लगा रहा है यहाँ पे जो सैमसंग, तो फिर लोग मतलब इनका जो मेन है वो रोटेटिंग कैमरा है, इसमें आपको लाइव वीडियो फोकस मोड मिलता है, मतलब आप बैकग्राउंड ब्लर करके वीडियो ले सकते हो उसमें DSLR जैसा, एंड बहुत सारे नए नए अदर्स बहुत ही बढ़िया फीचर्स फ़ोन में देखने मिलते हैं, इसलिए इस फ़ोन का लोग बहुत तेज़ से इंतज़ार कर रहे हैं। बट सैमसंग जो है वो ध्यान ही नहीं दे रहा है इस फ़ोन पर कि क्या नहीं हो रहा है पता नहीं। एंड लास्ट ऑफ ऑल बात करता हूँ उसके प्राइस सेगमेंट की, मैं क्या प्राइस होगा, क्योंकि इसका प्राइस लीक्ड आउट निकल के आया कि ये जो फ़ोन है ये 47,000 या 45,000 के बीच में आने वाला है। एंड मैंने जब सुना मैंने बोला 45,000-47,000 में स्नैपड्रैगन 730G का प्रोसेसर, ये क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि गाइस स्नैपड्रैगन 730G और 730 जो प्रोसेसर है वो आई थिंक 20 या 15,000 के बीच में सेगमेंट में 20-25,000 में भी ये प्रोसेसर हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, मगर सैमसंग यहाँ पे इन्हें हमें चिपका रहा है भाई 47,000-45,000 में, तो डेफिनेटली ये फ़ोन बहुत ही ओवर प्राइज्ड हो जाएगा अपने प्राइस के हिसाब से। बस हाँ प्रोसेसर बिल्कुल भी सही नहीं होगा, जैसे A70 का हुआ था 675-29,000 में, वैसे यहाँ पे ये कर देंगे। तो लेट्स सी, मेरे को तो बिल्कुल भी इसका प्रोसेसर पसंद नहीं आया, वरना फ़ोन बहुत ही बढ़िया है, 6.7 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलता है, पूरा बेजललेस मिलता है, एमोलेड पैनल है, सुपर एमोलेड पैनल है, बेजललेस डिस्प्ले, और यहाँ पे रोटेटिंग कैमरा है, 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है सोनी 586 सेंसर के साथ, देन ट्रिपल रियर कैमरा मिलता है और ट्रिपल फ्रंट कैमरा भी मिलता है जो पहला मोबाइल बन जाता है। तो लेट्स सी आने देते हैं इस फ़ोन को, फिर आपको बता देंगे जो भी है और कैसा नहीं, क्योंकि गाइस ये तो फ़ोन बहुत ही बढ़िया लॉन्च होने ही वाला है, अब जल्दी से जल्द सैमसंग इस फ़ोन को लॉन्च कर दे ये तो हम एक्सपेक्ट करेंगे, एंड लेट्स सी। और बस गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, मैंने आप लोगों को बता दिया सैमसंग गैलेक्सी A70 और A70 मतलब A80 के यहाँ पे प्राइस और लॉन्च डेट, अब लेट्स सी जल्दी जल्दी आ जाए बिकॉज अब बहुत ही ज़्यादा जो हद पार हो गई है, क्योंकि बहुत लेट कर रहा है यहाँ पे A80 और प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। पहले मैं बता दूँ जो लोग भी इस फ़ोन का वेट कर रहे थे तो भाई देख लो प्राइस इसका बहुत महंगा होने वाला है, वेट कर सकते हो तो कर लो, मैं तो बोलूँगा छोड़ो और आप जाके, मगर हाँ जिनको ये फीचर चाहिए और प्रोसेसर नहीं चाहिए ये वाला, मतलब प्रोसेसर में आप एक्सेप्ट कर सकते हो तो ये बहुत ही बढ़िया फ़ोन है, आप ले सकते हैं जाके। तो बस गाइस वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब तक आपने नहीं किया क्योंकि मैं आपके लिए दिन में दो वीडियो लाते रहता हूँ, और वीडियो लेट आया उसके लिए सॉरी। तो आज का वीडियो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।